फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां देश विदेश में मशहूर हैं, लेकिन इन चूड़ियों को तैयार करने वाले कारीगरों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। चूड़ी तैयार करने के बाद उसकी जुड़ाई मिट्टी के तेल से की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में मजदूरों को खतरनाक हादसों का सामना करना पड़ रहा है। डिब्बी में केरोसीन डालकर आग से होती है चूड़ी की जुड़ाई। मजदूर विनोद कुमार ने लोकल 18 को बताया कि फिरोजाबाद के कारखानों में चूड़ी को तैयार करने के बाद कारीगरों द्वारा उसकी जुड़ाई की जाती है। इसके लिए मजदूर डिब्बी में मिट्टी का तेल डालकर आग के जरिए चूड़ियों की जुड़ाई करते हैं, लेकिन जो तेल अभी दिया जा रहा है वह मिलावटी है, जिसके कारण डिब्बी के गर्म पड़ते ही फटने के हादसे हो रहे हैं। मजदूर विनोद कुमार ने बताया कि कारखाने से जो चूड़ी आती है उसके ज्वाइंट पर जुड़ाई की जाती है, जिसके बदले में मजदूरों को सिर्फ 200 रुपए रोजाना मिलते हैं। हाल ही में हुए हादसों के कारण मजदूर डरे हुए हैं और काम पर जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन अगर शुद्ध मिट्टी का तेल नहीं मिला तो चूड़ी की जुड़ाई का काम बंद हो जाएगा और इसका असर व्यापारियों पर भी पड़ेगा। चूड़ी की जुड़ाई होती है, कैसे की जाती है, किस चीज का इसमें इस्तेमाल होता है? चूड़ी की जुड़ाई केरोसिन से की जाती है, मिट्टी के तेल से। इससे बहुत दिक्कत होती है, दिमाग में तेल चढ़ता है और क्या कहते हैं, आग भी लग जाती है, हमें खतरा रहता है। मेरे हादसे हो चुके हैं। आप किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा इसके बदले? इसमें मिट्टी के लिए अलावा और कोई तो काम होता नहीं है, गैस से हो नहीं पाती है, गैस में हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे होगी ये जुड़ाई, कैसे? पहले मिट्टी का तेल आता था नीला, अब आता है इसमें मिलावट, जो पहले तेल आता था वही तेल होना चाहिए। ये पूरे दिन में कितने का काम कर लेते? 200 रुपए का। कितने तोड़े एक बार में? 20 तोड़े जोड़ेंगे सुबह 7 बजे से लेके संध्या के 5 बजे तक। कितने रुपए मिलते हैं? 210 रुपए। तो आप लोगों को जैसे कोई हादसा होता है तो उसके लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ के कारखानेदार सब मजूरी कराना जानते हैं, मजूरी देना नहीं जानते हैं। फिरोजाबाद कांच चूड़ी जुड़ाई मजदूर संघ के अध्यक्ष रामनाथ मानव ने बताया कि कांच की चूड़ियों की जुड़ाई के लिए मिलने वाला मिट्टी का तेल MTO मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल है, जो मजदूरों को फ्री दिया जा रहा है। इसी कारण डिब्बी फटने के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों में लगभग 300 लोग घायल हो चुके हैं और 16 लोगों की जान जा चुकी है। जो चूड़ी जुड़ाई का कार्य होता है, इस चूड़ाई जुड़ाई के कार्य में पहले केरोसिन का तेल उपलब्ध कराया जाता था सेवा योजकों के द्वारा, लेकिन पिछले 4 वर्षों में फ्री सेल सफ़ेद मिट्टी के तेल के नाम पर मजदूरों को जो खुली बिक्री में की जा रहा है वो MTO है, केरोसिन नहीं है। केरोसिन में अगर आप जलती हुई तीली भी डाल देंगे तो आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन आज जो मिट्टी का तेल है, जो MTO है, MTO मिट्टी के तेल के नाम पर बेचा जा रहा है, इस MTO में इतना अधिक ये ज्वलनशील है कि इससे डिब्बी फटने की घटनाएं फिरोजाबाद में होती रहती हैं आए दिन, शायद ही कोई दिन ऐसा बाकी जाए जिस दिन घटना ना हो। अब तक 300 से ज़्यादा लोग इसमें जल चुके हैं और 16 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। देखो, आपने ज्ञापन दिया है, क्या क्या आश्वासन मिला? अभी ज्ञापन में आश्वासन नहीं है, अभी हमने ज्ञापन दिया नहीं है, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं अभी, और इस ज्ञापन को देने के बाद 15 तारीख से हम एक आंदोलन करेंगे और 11 तारीख से यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, अनशन करेंगे, और जब तक मजदूरों के लिए उनकी जान नहीं बचेगी तब तक हम ये लड़ाई शांत नहीं करेंगे। केरोसिन जो आता है जी, कहाँ से आता है और कैसे इसको खरीदा जाता है, क्या रेट रहती है इसकी, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल चूड़ी बनाने में किया जाता है? केरोसिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है, और इस समय केरोसिन तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, उसका परमिट किसी भी कारखानेदार के पास नहीं है, यहाँ पर किसी भी होलसेल डीलर के पास भी केरोसिन का कोई परमिट नहीं है, और ना उनकी आपूर्ति की जा रही है, MTO की आपूर्ति की जा रही है, और MTO इस समय लगभग 70 और 78 रुपए के बीच में है, और उससे मजदूरों की जान जा रही है। इसकी तरफ हम पिछले काफ़ी लंबे समय से ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई इसमें कोई निदान नहीं निकला है, लेकिन अब हमने ये निश्चित किया है कि मजदूरों की अब तक जो जान चली गई, अब हम कोई मजदूर की जान बिना वजह जाने नहीं देंगे। कैसे इसका इस्तेमाल होता है और घटना कैसे होती है फिर? ये जो चूड़ी की जुड़ाई की प्रक्रिया है, इसमें मिट्टी की एक डिब्बी होती है,
उस डिब्बी में मिट्टी का तेल यानी ये MTO डाला जाता है और उसी में एक सूत की बत्ती होती है, उसके माध्यम से लैंप में आग जलती है। जब वो हीट हो जाता है तो वो डिब्बी फट जाती है गैस बंडी से। बिना मिट्टी के तेल के चूड़ी की जुड़ाई करना संभव नहीं है, इसलिए व्यापारी और मजदूर इस समस्या का हल निकालने में लगे हैं। शुद्ध मिट्टी का तेल मिलने से न केवल मजदूरों की जान बचाई जा सकेगी बल्कि चूड़ी उद्योग भी सुरक्षित रहेगा। लोकल 18 के लिए फिरोजाबाद से धीर राजपूत की रिपोर्ट।